मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल विनय जी। तो जैसा गाइज हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम एक जीमेल आईडी से और भी यूट्यूब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो गाइज आज का टॉपिक है कि हम अपने वीडियो पर यूट्यूब वीडियो पर कैसे थंबनेल लगाएं। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज थंबनेल अटैच करने के लिए आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में यूट्यूब स्टूडियो होना चाहिए। तो गाइज हमने देखिए एडिट थंबनेल पे क्लिक किया, उसके बाद गाइज यहाँ देखिए कस्टम थंबनेल दिखा रहा है, बट गाइज यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है इसलिए थंबनेल आप अटैच नहीं कर सकते। सो गाइज सबसे पहले हमको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। तो गाइज उसके लिए आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए जो मेरे स्क्रीन पे इस समय आपको दिख रहा है। तो गाइज हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र को, हमने क्लिक किया। तो गाइज उसके बाद हम इस पर सर्च करेंगे youtube.com हमने टाइप किया और हम सर्च करेंगे। सर्च तो गाइज इसके बाद जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपको राइट साइड पे जो थ्री डॉटेड दिख रहे हैं आपको उस पर जाकर के आपको डेस्कटॉप साइट करना पड़ेगा। तो हम थ्री डॉटेड पे जाएंगे और डेस्कटॉप साइट करेंगे। हमने डेस्कटॉप साइट कर दिया, देखिए एकदम गाइज डेस्कटॉप जो यूट्यूब जो डेस्कटॉप खोलते हैं जैसा दिखता है वैसा एकदम दिख रहा है। तो गाइज इसके बाद हम रिटर्न में जाएंगे राइट कॉर्नर पे और अपनी प्रोफाइल जो है यूट्यूब प्रोफाइल इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये राइट कॉर्नर पे यूट्यूब प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैं योर चैनल पे जाऊँगा। योर चैनल पे तो उसके बाद मैं कस्टम चैनल पे जाऊंगा गाइस, कस्टम चैनल पे क्लिक करूंगा। मैं कस्टम चैनल पे जा चुका हूँ राइट गाइस। उसके बाद मैं गाइस तो रिटर्न फिर मैं राइट कॉर्नर पे जाकर अपनी प्रोफाइल को क्लिक करूंगा और वहाँ पे जो नीचे यूट्यूब स्टूडियो के बगल में सेटिंग टैब है उस पर मैं क्लिक करूंगा। तो गाइस देखिए आप ओपन हो चुका है। गाइस आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका चैनल स्टेटस एंड फीचर्स। तो गाइज हम इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमको अब वेरीफाई करना है अपने अकाउंट को। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कस्टम थंबनेल इज नॉट इनवैलिड एलिजिबल। तो हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे अपने अकाउंट को अपना फ़ोन नंबर और कंट्री को सिलेक्ट करके। तो गाइज हमने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। तो गाइस सबसे पहले हम कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमसे हमारी कंट्री पूछी कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो अब अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले गाइस ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि मतलब कह रहा है यहाँ पे कि मोबाइल नंबर से आपको अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और हम अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया को सिलेक्ट करूँगा। तो गाइस यहाँ मैंने इंडिया को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो दैट्स या इंडिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद गाइस मैं एसएमएस बाय सेंड एसएमएस बाय कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जो कि मुझे कोड रिसीव होगा जो मैं नंबर उसमें सबमिट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर फिल करूँगा। तो गाइस आप यहाँ पे आप कॉल बाय कॉल भी कोड रिसीव कर सकते हैं और बाय एसएमएस भी कोड रिसीव कर सकते हैं। तो मैं अपना नंबर सबमिट कर देता हूँ। ये उसके बाद मैं गाइस सबमिट कर दूँगा। मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया और ये सबमिट हो गया गाइस। अब मेरे नंबर पे एसएमएस आएगा। तो गाइस मेरे नंबर पे एसएमएस आ चुका है, तो मैं अब इसको पुट करूंगा
छः डिजिट का है कोड, जो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, उसके बाद मैं सबमिट कर दूँगा। तो मैं सम कोड जो है एंटर कर देता हूँ, और मैंने ये सबमिट कर दिया। उसके बाद गाइस देखिए, हमको बता रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो गाइस हम क्रोम को हटा करके दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे, और दोबारा हम सर्च करेंगे youtube.com सर्च करेंगे। उसके बाद फिर वही सब करेंगे, जैसे डेस्कटॉप साइट करेंगे हम इसको। उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, राइट कॉर्नर पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने योर्स चैनल में जाएंगे। उसके बाद गए कस्टमाइज्ड चैनल पे जाएंगे हम। कस्टमाइज चैनल जाने के बाद रिटर्न फिर प्रोफाइल पे जा करके हम क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे प्रोफाइल क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद गाइस उसके नीचे देखिए यूट्यूब सेट स्टूडियो के साइड में जो है सेटिंग टैब दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर गाइस हम चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पे क्लिक करके हम ये क्लेरिफाई करेंगे कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है कि नहीं हो चुका है, जो कि गाइस आप नीचे देख चुके हैं, देख सकते हैं आपका कस्टम थंबनेल का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है आपके लिए, और आपका अकाउंट भी जो है यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, देखिए आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम अपने वीडियो पे जो है YouTube स्टूडियो में जाकर के हम अपने वीडियो पर थंबनेल जो है हमने क्रिएट कर रखा है उसको हम अटैच करेंगे अपने वीडियो से। तो गाइस हम एडिट वीडियो पे जा करके एडिट थंबनेल पे क्लिक करके फिर हम अपना जो भी हमने बना रखा है अपना थंबनेल, उसको हम कस्टम थंबनेल ऑप्शन चूज़ करके वहाँ से हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। तो हमने देखिए यहाँ बना रखा है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए गाइस मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं गाइस इसको सेव करके उसके बाद सेव कर दूँगा मैं इसको। गाइस सेव पे मैंने क्लिक किया और ये गाइस हमारा देखिए सेव हो गया अकाउंट पे। उसके बाद मैं आपको रीचेक करके दिखा देता हूँ गाइस अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर जा रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल पर चलते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं, तो गाइस अब देख सकते हैं हमारा थंबनेल हमारे वीडियो से अटैच हो चुका है। गाइस थंबनेल जो है हमारे वीडियो का एक इम्प्रेशन बनाता है यूट्यूब पे, तो जो आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यूट्यूब वीडियो में हम कैसे थंबनेल को ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसान था आपने देखा इस वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो इससे बेहतर बना सकूं। तो गाइस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एक जीमेल आईडी से और भी अकाउंट यूट्यूब अकाउंट क्रिएट किए जा सकते हैं या नहीं इसके बारे में मैंने बताया था, अगर आपको देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, लव यू, जय हिंद।